शिवानी, शिवानी क्या हो गया दादा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो और ये सब क्या शोर मचा रखा है? मस्त मस्त, पूरे शहर में धमाका करके हमसे ही पूछ रही है कि ये शोर कैसा। शिवानी, तू हमारे खानदान को शर्मिंदा तो करती ही आई है, लेकिन आज आज हमारी बेइज्जती की सारी हदें ही पार कर दी तूने। ये आप कह क्या रही हैं बहिनी? क्या हुआ बहिनी, ये सब शोर कैसा? शोर तो पूरे शहर में मचा हुआ है मानसी, लेकिन उसकी आवाज हमारे घर तक कुछ देर के बाद पहुंची। शिवानी के कारनामों के फूल चढ़ाने आई है ये सब। एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी है तुम्हारी लाडली बहन, चक्कर चल रहा है उसका इनके पति के साथ। क्या शिवानी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब झूठ है ताई, मैं तो इन औरतों को जानती तक नहीं हूँ। लेकिन मेरे पति को तो जानती हो ना? अरे कौन सा पति, किसकी बात किए जा रही हो? अमय गुप्ते। अमय? हाँ, अमय की बीवी हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है, अमय ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। अरे अमय तो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। दादा देखो ना, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है ये मुझ पे। हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ। तो फिर ये क्या है? थैंक यू। गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए, देखो। इसकी क्या जरूरत थी, तुम आ गई, वो बहुत नहीं है क्या? रुको मैं तुम्हें पहनाती हूँ। ये नहीं हो सकता है, झूठ है शिवानी। शिवानी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम? नहीं दादा, पूरा शहर पढ़ाए बहुत मर्द मिल जाएंगे तुझे, मेरे पति को छोड़ दे। ऐसी औरतों का एक आदमी से मन नहीं भरता, पता नहीं कितनों को फंसा के रखा है। नागिन है ये, तुम मेरे रिश्ते को डसने की कोशिश कर रही है। तेरी इस काली करतूत के लिए ना, तेरा मुंह काला करके चौराहे पर तुझे बैठाना चाहिए। तुझ जैसी औरतें समाज के लिए धब्बा है, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तो सुधरेगी। शिवानी बुआ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? कौन है तू? हट पीछे और खबरदार जो हमारे बीच में आई। तो मैंने आप लोगों की सारी बातें वहां खड़े होके सुन ली है, और अब आप लोग मेरी बात सुनेंगे। पहली बात, शिवानी बुआ से बदतमीजी से कोई बात नहीं करेगा, और दूसरी बात, खबरदार
किसी ने भी शिवानी बुआ को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखना सही क्या क्या बोले जा रहे हैं लोग मुझको। तुझे तो सारा सच पता है ना, तू बता इनको अमित ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था या नहीं किया था, बता इनको। तू तो अमित से मिली भी हुई है ना, इनको भी बता। सत्यानाश, बस यही सुनना बाकी रह गया था। मुझे पता था कि शिवानी तो इस जंगली मुलगी का साथ दे रही है, लेकिन इसे इसके प्रेमी को भी मिल गया है। वही नहीं? बुआ जी आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। सही, घर के बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं, हम चुप हैं, तुम भी चुप रहो। चुपचाप खड़े होके तमाशा देखने में और बात करने में फर्क होता है पाकी दीदी। यहाँ के सब बड़े चुपचाप शिवानी बुआ को बेइज्जत होता देख रहे हैं, इसलिए मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना। सही, इन सारे मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शिवानी की अगर गलती दोष मिस्टेक है तो तुम उसका साथ देकर पूरे घर वालों का और अपमान क्यों करा रही हो। बाबा सुनाली काकू, आप लोग पहले से क्यों मान रहे हैं कि शिवानी बुआ की गलती है? माना आप लोग उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन पूरा सच जाने बिना किसी बेकसूर को कसूरवार तो मत ठहराइए। सारा कसूर शिवानी का ही है, मेरे भोले भाले पति को फसाया इसने। फसाया है? आपका पति क्या दूध पीता बच्चा है जिसे शिवानी बुआ ने टॉफी दी और वो फंस गया? और फंसने की बात है ना, तो आपके पति अमय ने बुआ जी को फंसाया है, उनसे झूठा वादा करके प्यार का, उनको ना बता के कि वो शादीशुदा है, और उनसे अभी भी शादी की बात कर रहा है। और आपका भोला भाला पति ना, उसने शिवानी बुआ से पैसे भी लिए हैं। पोरी, तेरी प्यारी बुआ ना मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। जब कोई औरत मर्द को रिझाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती है ना, इसमें मर्द की कोई गलती नहीं होती। ऐसे कैसे मर्द की गलती नहीं है, और गलती क्या हमेशा औरत की होती है? बस सही, और शर्मिंदा मत कर हमें। आप लोग जाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद शिवानी आपके अमय से कभी नहीं मिलेगी। यही बात हमें इस दो टके की औरत से सुननी है। गढ़चिरौली की हूँ मैं, और गढ़चिरौली की लड़कियां ना पूरे महाराष्ट्र में फेमस होती हैं। तो आइंदा से ऐसे बदतमीजी से बात की ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि टके भर का भाव ना समझ जाऊंगी, समझी? आज के बाद मेरे पति से कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, और तुम्हारा पति तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जाके अपने पति को बोलो, अमय को बोलो कि वो शिवानी बुआ से नहीं मिलेगा, और वो जो पैसे लिए ना उसने, गिफ्ट्स लिए, महंगी कार, महंगा फोन, वो सब भी लौटा के जाए। और ये खड़ी खड़ी मेरी बुआ की बेइज्जती कर रही हो ना, जाके अपने पति से पूछो कि वो आज मेरी बुआ से मिलने क्यों आया था। और वो जो महंगा फोन यूज करता है, वो उसको किसने दिलाया? मेरी बुआ ने। वो जो महंगी गाड़ियों में घूमता है, उस गाड़ी का डाउन पेमेंट किसने किया? मेरी बुआ जी ने। और उस गाड़ी की ईएमआई भी बुआ जी दे रही है। क्या हो गया, झटका लगा ये सब सुनकर? अपने पति के बारे में ये सारी बात जानने के बाद भी तुम घर जाओगी अपने पति के पास? अगर हिम्मत है तो छोड़ दो ना ऐसे आदमी को, अपने पति को, जो दूसरी लड़कियों के प्यार, उनके पैसे का फायदा उठाता है। तुम्हारा पति लालची है, लीचड़ है, एकदम घटिया किस्म का आदमी है। ए गग्गा, बात को गोल गोल घुमा मत। इस मामले का एक ही हल है, शिवानी सरिता से माफी मांगे और उसे कहे
कि आज के बाद वो अमय को बिल्कुल नहीं मिलेगी, समझ लो। मेरी बुआ किसी से माफी नहीं मांगेंगी, और इस वक्त अगर माफी का कोई हकदार है तो वो मेरी बुआ है। और आप लोगों ने अगर शिवानी बुआ से बदतमीजी से बात की ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग वापस लौट जाइए, वरना। वरना क्या क्या करेगी? वरना पीछे देखिए। एसीपी विराट चौहान मेरे पति, इस शहर के सीनियर पुलिस ऑफिसर। क्या आप अमय, इनके पति को, बुआ जी को झूठे प्यार में फंसाने और उनके पैसे ऐंठने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं? अभी के अभी उसे अरेस्ट कर सकता हूं मैं। तुम्हारे पति की हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ के साथ ऐसा धोखा करने की? आई शपथ, अगर कल का सूरज उसने जेल की चार दीवारियों में से नहीं देखा ना, तो माजा नाम विराट सवार नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि कभी किसी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो क्या, उसके बारे में सोचेगा भी ना, कांप उठेगा। चल ऐसे निकल, चल। हाँ हाँ जाइए, और भूल कर भी इस दहलीज पर वापस आने की सोचना भी मत, वरना उस अमय के साथ साथ आप लोगों को भी अंदर करवा दूंगी एक मुजरिम का साथ देने में, समझ ला? हो समझ लो, चल। और हाँ, अमय को इस सब के बारे में मत बताना। नहीं नहीं बताएंगे। चलो निकलो अब। विराट, इस मामले को पुलिस स्टेशन तक खींचने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा हमारे खानदान की बदनामी होगी पूरे शहर में। चाहे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है, आखिर में गलती शिवानी की ही है। सही कहा बाबा आपने। विराट सर, मामले को रफा दफा करने में ही समझदारी है, क्योंकि समाज से पहले अपने घर वालों की नजरों पे और दिमाग पे जो पर्दा पड़ा है वो हटाने की जरूरत है हमें। इतना कुछ हो गया, सुन लिया, समझ लिया, फिर भी बाबा आपको शिवानी बुआ ही गलत लग रही है। दुनिया से तो कोई लड़ भी ले, लेकिन अपने घर वालों से कौन लड़े, जो बात बात में दुश्मन बन जाते हैं। विराट सर, आप अमय को एकदम तुरंत मत गिरफ्तार करिए। जहां तक रही शिवानी बुआ की बात, तो शिवानी बुआ को बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, और आप लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा भी हटाऊंगी। बुआ जी का कॉन्फिडेंस वापस लेकर आऊंगी। ये वक्त रोने का नहीं, रुलाने का है। अमय को और उसके जैसे हर उस इंसान को जिसे लगता है गलतियां सिर्फ औरत की हो सकती है। थैंक यू सही, सिर्फ एक दो ही तो है जो मेरा साथ दे रही है, वरना ये मेरे अपने घर वाले, इन्होंने ना तो मुझे कभी समझा है और ना ही मुझे कभी सपोर्ट किया है, बल्कि ये तो हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। पर अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। बुआ, मैं आपके साथ हूं,
आप मुझे बस बताइए ये अमय रहता कहाँ है? नहीं विराट सर, अमय के घर जाने से पहले कुछ काम है जो मुझे पूरा करना है। वाह, तुम्हारी हिम्मत और बदतमीजी इतनी बढ़ गई है कि तुम विराट पर भी अपना हुक्म चलाओगी। आप तो प्लीज छुपी रहिए बाबा। सही, ये कोई तरीका नहीं है बाबा से बात करने का। यही तरीका है विराट सर। और बाबा, आप मेरी हिम्मत के बारे में पूछने वाले होते कौन है, जिसकी खुद हिम्मत नहीं हुई अपनी बहन के साथ होते हुए बदसुलूकी रोकने की? इतनी देर से आप चुप थे ना, तो आप प्लीज थोड़ी देर और चुप ही रहिए। सही, तुम दादा से बस यही देखना बाकी रह गया था। बाप की बेइज्जती हो रही है और बेटा हाथ पे हाथ धरे खड़ा है। ये तमाशा और नहीं देखा जाता मुझसे। कोई तरीका होता है घर के बड़ों से बात करने का, लेकिन यहां शायद लोगों को किसी भी बात का फर्क पड़ना ही बंद हो चुका है। जंगली मुर्गी नहीं, सही भाभी तो जंगल की शेरनी है। शेरनी डाडू सिट्टो। बुआ जी, आप चिंता मत करो, अमय को सबक मैं जरूर सिखाऊंगी। सिखाओगी तुम जरूर, सबक सिखाओगी और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बुआ जी प्लीज रोना बंद करिए, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। सही, मैं तो अमय को सिर्फ डेट कर रही थी, मैंने तो कभी शादी का नाम भी नहीं लिया था। वो तो खुद मुझे हिंट्स देता था शादी के। आज तूने देखा ना, तेरे सामने उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं उसे पहचान नहीं पाई। बुआ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं सही, मैं हूँ बेवकूफ ही हूँ मैं। वो धोखा देता रहा मुझे और मैं पहचान ही नहीं पाई। अब मुझे पता चला ना कि उसने जो गाड़ी के ऊपर ए और एस लिखवाया था वो अमय और शिवानी नहीं था, अमय और सरिता था, उसकी बीवी का नाम। और मैं सोच रही थी मेरा नाम लिखवाया है। धोखा ही क्यों मिलता है? सही, ऐसा नहीं है बुआ जी, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। मेरे दिल में बस एक ही डर था कि कहीं मुझे फिर से धोखा ना मिल जाए, मैं घर वालों की नजरों में झूठी ना पड़ जाए। पर देखो क्यों हो गया। बुआ जी, हालातों के गलत होने से इंसान गलत नहीं हो जाता है। किसी ने आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, आपको धोखा दिया, आपके पैसे पर ऐश करी, इसमें आपकी गलती नहीं है। और अगर गलती की बात है ना, तो फिर सारी गलती मेरी है। मैंने आपको बोला था अमय को एक मौका देना चाहिए। नहीं सही, वो 18 साल की बच्ची है, मैं तो नहीं हूँ ना। मैं कैसे किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ सकती हूँ? तुझे पता आज मैंने सरिता के गले में क्या देखा? ए और एस नाम का पेंडेंट। वो पेंडेंट उसको मैंने गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे। बुआ जी, बात वो छुपाता है जिसके मन में चोर होता है। और जब आपके मन में चोर ही नहीं, आपका मन शीशे की तरह साफ है, तो आप कोई भी बात क्यों छुपाएंगी? एक धोखेबाज की वजह से ऐसे रोइए मत। रोएगा तो अब वो, उसने आपको फंसाया है ना, अब हम उसे फंसाएंगे। दूसरों की नजरों में अब वो गिरेगा। उसकी सच्चाई हम घर वालों के साथ साथ उसकी बीवी के सामने लेकर आएंगे। पर कैसे? मैं तो कुछ भी साबित नहीं कर पाऊंगी। बुआ जी, कार की डाउन पेमेंट्स, ईएमआई, ये सब बैंक स्टेटमेंट में होगा ना, गिफ्ट्स की रिसीट। कुछ भी नहीं है, वो तो हर बारी कैश ही लेता था मुझसे, कहता था कि टैक्स बेनिफिट होगा। ये तो बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। लेकिन कोई बात नहीं बुआ जी, हम भी इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने ये किया होगा। अमय का फोन, आज तो इसको सारे सवालों के जवाब देने होंगे। नहीं बुआ जी,
आप इस धोखेबाज से बात नहीं करेंगी। जो करूंगी मैं करूंगी। क्या कर रही है? अमय का वो नंबर क्यों सेव कर रही है? अरेस्ट करवाएगी क्या उसको? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।